जो भी थोड़ी बहुत लिमिटेड नॉलेज है, मुझे लगा शायद मैं उससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। एंड आई नो अंगद, मैं ऐसी वैसी किसी पोजीशन पर नहीं हूँ या फिर मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं बराज ज्वेलर्स के मैटर में इंटरफेयर कर सकूँ, बट मैं बराज ज्वेलर्स के डिजाइन की हुई ज्वेलरी पहनती जरूर हूँ और उसे अपने स्टाइल में कैरी भी करती हूँ। और मुझे लगता है जब तक आप खुद अपने प्रोडक्ट्स को लेकर पैशनेट नहीं होंगे, उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, तो कोई और उन्हें क्यों खरीदे। बस एक ये रीजन था अंगद मेरे यहाँ आने का, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। लुक एट दिस अंगद, जब इतना हेवी नेकलेस हो तो उसके साथ मैचिंग इयररिंग्स नहीं, मैचिंग ब्रेसलेट होना चाहिए। आई थिंक सीरत पापी की बात में पॉइंट है। ये नेकलेस बिना इयररिंग्स के भी अच्छा लग रहा है, बहुत क्लासी लग रहा है और ओवरडन वाली फीलिंग नहीं आ रही पाजी। You are right, Veer. I love this look. तुम्हारी तरह दुनिया की ज्यादा समझ नहीं है मुझे अंकल, लेकिन फैशन किसे कहते हैं अच्छे से समझती हूँ। पाजी अब इसे लॉक करें। ओके गर्ल्स, न्यू लुक। अब हम इयररिंग्स यूज नहीं करेंगे, नेकलेसेस के साथ उनके मैचिंग ब्रेसलेट्स यूज करेंगे। जिंदगी चलती रहती है अंगद, बस वक्त बदल जाता है, पर हाँ वक्त के साथ साथ हमें भी अपना नजरिया बदलना होता है। लगता है अंगद खुद हालात से समझौता कर चुका है, अब वो ही नहीं चाहता कि उसके और साहिबा के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन इसके दिल में साहिबा को लेकर जो भी फीलिंग्स हैं, उसका क्या? साहिबा का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता है। लगता तो यही है, अगर यहाँ ये हाल है तो साहिबा के मन में क्या चल रहा है? पता लगाना होगा।